बस बोल लिया तेरा साउंड हो गया और ना बोलिए भाई। गुरदास मान ने एक बात कह रखी है, इन्नी गल याद रखी दोस्ता जरूर वे, भसदे निवाण हुंदे इको इन्नी दूर वे। तारी पार्टी का जलसा हुआ उदन फूक जागे ठाके जो ये भाई रुक के मारे इन तीनों को, मेरा 22 करोड़ रुपए कितने हुए हैं इनकी सारी उम्र रुक के मारे हैं करोड़ रुपए, और दूसरा काम नहीं करा, काम खतर है। श्री मोहन लाल बड़ोली जी, आपके लोकप्रिय विधायक विकास मिश्रा को किशन मिर्जा जी आपके भी उपस्थित में तालियों से स्वागत करें। भारत माता की जय हो। आप लालो उन बुजुर्गों का लालो। ये गांव की सम्मान सूचक पगड़ी सभी के सभी ऐसे ही माननीय विधायक जी को पगड़ी भेंट करेंगे। कृष्ण मीडा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। लोकप्रिय विधायक जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एक लेने वाले भाई बहन जिंदाबाद, जिंदाबाद। बड़ा हर्ष का विषय है कि इस कंडेला गांव की दादा खेड़ा वाली चौपाल में हमारे बीच लोकसभा के प्रत्याशी मोहनलाल बड़ोजी जी और हमारे जीत के चमकते सितारे डॉक्टर किशन मिड्डा जी, आपका यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत स्वागत है। हम आपको विश्वास दिलाते हैं, मैं और मेरा गांव आपको, हम आपकी बात जिता के बेचेंगे। यहाँ से जो हमारे दादा खेड़े के पास आगे झुका है वो कभी निराश नहीं हुआ है, तो हमारा आपसे अनुरोध, हम तन मन धन से आपके साथ खड़े हैं। मैं और मेरी ससुराल और आपका यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत स्वागत है। और मेरे गांववासी जो मेरे इतने शुभचिंतक हैं और मेरे लिए खड़े हैं, मैं उनका बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद गीता जी का। सबसे पहले तो मैं अपने एमपी साहब का और विधायक जी का कंडेला गांव में पहुंचने पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। सभी गांव वालों का, मेरे बड़े बुजुर्ग, मेरी माताएं बहनों का भी, आज अपने एमपी साहब गांव में वोट की अपील के लिए आए हैं। मोदी जी ने एक ही कहा है, अब की बार 400 पार। हर हर मोदी, अपने एमपी साहब को भाई बारी वोटों से अपने गांव में जीत देकर सफल बनाए, और अपने गांव के भी अपने विधायक जी ने बहुत से काम किए हैं। आज सारे गांव के लोग बैठे हैं, इन्होंने पता नहीं भाई कांग्रेस की सरकार ने हमें क्या दिया था भाई। बीजेपी की सरकार में एक साल में 22 करोड़ रुपए आए अपने कंडेला गाँव में। जो ये भाई रुक के मारे इन तीनों को, मेरा 22 करोड़ रुपए कितने हुए हैं इनकी सारी उम्र रुक के मारे हैं करोड़ रुपए, और दूसरा काम नहीं करा, काम खतर है। इसके बाद बीजेपी की सरकार में 22 करोड़ रुपए आए हैं। अपना विधायक जी भी जिस टाइम मतलब चंडीगढ़ की मदद से ही विधायक जी ने मदद दी है, मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, और बीजेपी सरकार को वोट की अपील करता हूँ। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच साहब कार्यक्रम के। भाई छोरे बस बोल लिया तेरा साउंड हो गया और ना बोलिए भाई। गुरदास मान ने एक बात कह रखी है, इन्नी गल याद रखी दोस्ता जरूर वे, भसदे निवाण हुंदे इको इन्नी दूर वे। तारी पार्टी का जलसा हुआ उदन फूक जागे ठाके, कदे किसे का दिमाग में खराबी है, सोच लिए बात। तो भाई एक ब्राह्मण है नी, गुरु गोरखनाथ की पूजा करने लग गया, तो गुरु गोरखनाथ जी ने उसे कह दिया, वह के मांगे है। बोले जी इलेक्शन हरियाणा में,
अब बोले तारी आबादी कितनी 8-9% है। तो गुरु गोरखनाथ जी बोले तब भक्ति और योग के बल पर पढ़ के दे दिए जो पंडित, तू मांगे था एक सीट तरह सीट मिलेगी दो पंडित है, तो आपके दो बेटे हैं, दो सीट है, मोहनलाल जी तो सोनीपत है और अरविंद भारद्वाज जी रोहतक है, इन दोनों बेटिया ने आँख खोल के जिताने का काम तारा है और 36 बिरादरी पे आत्मा जोड़ के तारे तारे बोटा का जापा को निकलता है और का खतर भी। अरे यू बेटा बोला है नहीं कोई बात नहीं, इसका वोट भी या मेरी जिम्मेवारी है मोहनलाल जी के गिरवाने के सारे। अच्छा ये बात कह रही बात पाछे कौशिक साहब उरत अपने एम पी थे 1,54,000 वोटा ने जीते थे मोहनलाल जी 2,05,000 जीतेंगे लिख लो, लेकिन जीतेंगे जब जब तावेड़ी पंजाब खड़े हो जाओगे, हाँ घर बैठे बैठे को नहीं, वोट तो तारे बतेरे थोक में पड़े हैं, फिर आंगा लाके अपने वोट गिड़ने हैं, छत्तीस जात के वोट गिड़वाने हैं। और फिर एक और बात, आज तारा दरवाजे तो अरे हैं दो मोहन मोहन आज तारे जो कैंडिडेट हैं, और कृष्ण जी मिड्डा, कृष्ण का नाम भी मोहन है, मोहन का नाम भी कृष्ण है, आज दो कृष्ण तारा दरवाजे भारे हैं। तो इस करके मैं तारी तरफ तक कह दूँ, आश्वासन दे दूँ, आंगा लाके वोट दोगे तो हाथ खड़े करके बताओ भाई, क्यों नहीं? ये कांग्रेसी से छड़े गाड़ हैं, कह रहे हमारे आदमी हैं। हनुमान जी वाली मुट्ठी, मुट्ठी बीच के। तो भाई, हाँ यस, गुड वर्षन वर प्रणाम 400 पार। अरे ये एक और सुन लो, पड़ोली जी, इस हल्के में कृष्ण जी मिड्डा बैठे हैं, हमारे चमकते सितारे हैं, लाडले विधायक हैं, तो बड़ा जोर ला रहे हैं, तो सारे हल्के में कह तो छोड़ो, आपके हल्के से हमारा मुकाबला है कंडेला का, आपके गांव में देखियो घने से घने वोट कितने आवे, कंडेले में कितने आवे हैं, फिर शर्त मंजूर है भाई, आश्वासन दे दूं। अच्छा अब ठीक हो गया, एक दो तीन शर्त मोहनलाल जी आपते भी हैं, एक एक तो जब जीत का आओगे हमारा धन्यवाद करने आओगे ना एमपी बनने के बाद, आज की तरिया कल्ले नाइयो जोड़े माइयो मैडम ने साथ लाइयो, और दूसरा घने दे घने छोरे उरे के नौकरी लुआइयो, यो हल्के का बड़ा काम है, थोड़ी जुंदी धड़ी पकाइयो हमारे का नहीं, और तीसरे मारे घने छोरे परचू करे जी नूं ते घणी सगाई भेजा करो, और सते दरबार की जय। जिन्होंने 400 पार का नारा दिया उनके नारे को सशक्त करते हुए हमने भाई मोहनलाल गोडोली जी को चुनना है ताकि 400 सीट पार करने का काम करे, यही निवेदन और प्रार्थना करने अरदास करने आप लोगों के बीच में मैं आया हूं, और इसी प्रकार से प्यार की कामना करूंगा, जिस प्रकार से पहले आपने हमें प्यार दिया उसी कामना के साथ मैं आप लोगों से निवेदन और प्रार्थना करता हूं कि 25 तारीख को ज्यादा से ज्यादा वोट डालने का काम करें, लोग घरों में ना बैठे, ज्यादा से ज्यादा वोट पोलिंग करने का काम करें, यही प्रार्थना मैं आपसे करने आया हूं, कमल के सामने का बटन दबाकर भाई मोहनलाल गोडोली जी को ज्यादा से ज्यादा मतों से जिताएं, यही प्रार्थना निवेदन करने आया हूं। मुट्ठी बंद करके जयकारा लगाएंगे, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, दादा खेड़े की, दादा खेड़े की, कंडेला गांव की, कंडेला खाप की, भारत माता की। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच और इस सोच को मजबूत करने के लिए चुनाव है, इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि आज जो वातावरण पूरे देश में बना है कि अब की बार 400 पार, एक बार सभी बोलेंगे अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, तीसरी बार 400 पार, तीसरी बार मोदी सरकार, तीसरी बार मोदी सरकार, तीसरी बार मोदी सरकार। और मोदी जी ने जो भगवान श्री राम के मंदिर को बनाने का काम किया, आप सबको पता है कि 500 वर्षों के इस संघर्ष के बाद अनेक ऋषियों ने, मुनियों ने, अनेक तपस्वियों ने, समाज में काम करने वाले अनेक अनुयायियों ने इस भगवान श्री राम के मंदिर को बनाने के लिए अनेक आंदोलनों में भाग लिया, अपनी शहादत दी, उन सबको नमन करते हुए जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भगवान श्री राम के मंदिर की 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा करके जो इस देश के करोड़ों लोगों की भावनाओं को, जो 500 वर्षों का संघर्ष था उसको
पूरा करने का संकल्प मोदी जी ने पूरा किया है। उस भगवान श्री राम के मंदिर की जो 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा की है उसकी राम राम भी आपके लिए भेजी है। वो राम राम आप सब एक बार स्वीकार करना, वो राम राम मैं आपको दूंगा, वो राम राम मुझे दे के भेजी है, इसलिए मोदी जी की राम राम आपने आगे सबको देनी है। मैं निवेदन करूंगा राम राम कह के आप जवाब दें, मोदी जी की राम राम। सभी बोले मोदी जी की राम राम, मोदी जी की राम राम, मोदी जी की राम राम। ये मोदी जी की राम राम आपने आने वाली 25 मई तक प्रत्येक घर को पहुंचानी है, प्रत्येक आदमी को देनी है। और मैं निवेदन करूंगा कि 25 मई को कमल के फूल के सामने का बटन दबाकर आप अपने भाई को अपने बेटे को देश की सबसे बड़ी पंचायत में भेजने का काम करेंगे। मैं दिन रात आपकी सेवा करने का काम करूंगा, आपके मान सम्मान को बढ़ाने का काम करूंगा, आपके मान सम्मान में कभी कमी नहीं आने दूंगा। इसी बात की प्रार्थना करते हुए अपनी बात को समाप्त करूंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।